उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विवाह समारोह में करीब 85 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा आयोजित विवाह समारोह की शुरुआत करकेली से गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ बारात निकाल कर की गई। बारात में बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह सभी जनप्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए। बारात में शामिल बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह बैंड की थाप पर नाचते हुए नजर आए। कार्यक्रम स्थल में जनपद पंचायत करकेली के प्रशासनिक अमले के द्वारा बारात का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह के द्वारा प्रत्येक वर वधुओं को 49,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नमस्ते, मेरा नाम कविता परमन है और मैं ग्राम पंचायत परा से हूँ। ब्लॉक करकेली में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन हुआ गया, जिसमें अधिक से अधिक जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ और हम मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं। जो जिनकी व्यवस्था नहीं बन पाई तब उनके लिए थोड़ा सा सहयोग प्रदान हुआ। धन्यवाद। सामग्री और 11,000 रुपये का चेक दिया गया, लेकिन सामग्री वितरण में कई तरह की अनियमितता शिकायतें प्राप्त होने के कारण शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 49,000 रुपये पूरे उनके खाते में वितरित किए जाएंगे। 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं आयोजक संस्था को, 6,000 रुपये में हमको टेंट हुआ, भोजन, पानी, जो भी और आवश्यक सामग्री लगती है। यद्यपि इस 6,000 रुपये में वरवधु को कपड़े देने का प्रावधान नहीं है, फिर भी हम लोगों ने अपने तरफ से वरवधु को जो ड्रेस दिए हुए हैं उसकी व्यवस्था हम लोगों द्वारा कराई गई। सर, कितने जोड़े हैं आज? अभी तक 85 जोड़े आज सम्मिलित हुए। आप सबको विदित थे कि मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाकी और प्रदेश की संभारे, तब से गरीब जनों को, गरीब परिवारों को नित नई योजना जोड़कर उनको लाभान्वित करने का काम आदि कर रहे शिवराज सिंह चौहान जी करें। उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बहुत बड़ी योजना है। ये हमारे गरीब तबके परिवार के बच्चे बच्चियों की शादी करने में माता पिता असहज हो जाते हैं, उनके माथे में लकीर खिंच जाती, चिंता की लकीर खिंच जाती, गरीब परिवार में कुटिया का जन्म हो गया, अब इसकी विवाह कैसे करेंगे। जय हो माननीय मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए माताओं, बहनों, गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे गरीब तबके के परिवार की बच्ची बच्चियों का आज विवाह हो रहा है। बड़े हमें गर्व होता है, जहाँ आज 85 हुए, इसके पहले भी 2,500, 300, 400, 500 तक जोड़े इस प्रांगण में, करकेली के प्रांगण में सब विवाह हुए। उमरिया से ब्यूरो चीफ चंदन श्रीवास की रिपोर्ट।